तो लास्ट वीक मेरा ट्रैवल काफ़ी ज़्यादा हो गया था और मेरी गाड़ी काफ़ी गंदी हो गई है, तो आज मैं इसको वॉश करने वाला हूँ। तो चलते हैं, अपनी गाड़ी वॉश करते हैं, आपको मैं दिखाऊंगा पहले गाड़ी कितनी गंदी हो रखी है मेरी। तो आप देख सकते हो अभी गाड़ी कितनी गंदी हो रखी है यहाँ से भी, और टायर वगैरह सारा बहुत गंदा हो रखा है यहाँ से। और ये देखिए कितना गंदा हो रहा है यहाँ पर बिल्कुल। तो इसको मैं वॉश करने वाला हूँ, और जो हमारा एक्कन का हाई प्रेशर वाशर है इसके साथ मैं वॉश करूँगा। आपको देख सकते हो ये इसकी सारी जो एक्सेसरी है वो मैंने खोल के रख लिया है यहाँ पे, और इसको वन बाय वन मैं आपको इंस्टॉल करके दिखाऊंगा। तो आज हम अपनी गाड़ी वॉश करने वाले हैं मॉडर्न वे में, जो हमारी फोम वॉशिंग होती है ट्रेंडिंग में चल रही है, जो आपने देखा होगा। और देख सकते हो आप ये काफ़ी यहाँ पे गंदी हो रखी है, देख सकते हो आप ये। तो उसके लिए मैंने परचेज़ किया एक्कन कंपनी का DW2000 मॉडल है, और ये सबसे इसका बेसिक मॉडल है। इसके और डिफरेंट मॉडल्स भी आते हैं, और ये आपका सबसे लोएस्ट प्राइस में मिलेगा आपको, ये अराउंड 5 to 6,000 का मिल जाएगा, और इंडिया में इससे सस्ता आपको कहीं नहीं मिलेगा जो इसकी स्पेसिफिकेशन है उसके हिसाब से। तो इसके जो आप देख सकते हो एक्सेसरीज़ हैं, इसको मैं सारी इंस्टॉल करके दिखाऊंगा। काफ़ी इजी टू इंस्टॉल है ये। तो मैंने पाइप इंस्टॉल कर दिया इनलेट का, जो हमारा वाटर टैप से आएगा, जो हमारा सीधा पानी हमारी मोटर में। तो हमारा जो पाइप कनेक्टर है हम इसको कनेक्ट कर लेंगे यहाँ पर, हम जो हमारा हमने मैंने दिखाया था जो हमने टैप के साथ कनेक्ट किया उसके यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे इसको, और यहाँ पर इससे ये टाइट हो जाएगा। जो इसका वाटर फिल्टर है इसको हम यहाँ पर अटैच कर देंगे। तो आपने ध्यान रखना है कि अच्छी तरह टाइट हो जाए, तभी इसका प्रेशर बनेगा पूरा। तो ये हमारा क्विक रिलीज है, इसको हम यहाँ पे इंस्टॉल कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे एक क्लिक की आवाज़ आएगी, तो ये इंस्टॉल हो चुका है वो हमारा। और अब ये हमारा जो हाइड्रोलिक होस पाइप है, ये हमारी आउटलेट होस पाइप है, इसको हम कनेक्ट करेंगे अब यहाँ पे। और आपने ध्यान रखना है कि जो हमारा बॉटम वाला पार्ट है वहाँ से इनलेट आएगा, और जो अप वाली साइड है इसकी, जो यहाँ पर हमारा आउटलेट जाएगा ये, तो सिंपली आपने ये जो इसका यहाँ पे इसको कनेक्ट कर देना, इसको फुली हम टाइट कर देंगे। तो देख सकते हो आप ये काफ़ी इजी है इंस्टॉल करना, और ये हमारा कनेक्ट हो चुका है, जो इसका ये वाला पार्ट है इसमें जाएगा, और इसको हम यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। तो अगर आप इसको फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हो तो आप उस टाइम पे ये ना लगाएं, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत इसमें जो कचरा होता है वो सारा निकल जाएगा, और उसके बाद हम ये इंस्टॉल करेंगे। तो ये मैंने ऑन कर दिया, और यहाँ पे इसका जो बटन है यहाँ से इसको हम ऑन कर लेंगे। तो हमने ये फुली कनेक्ट कर लिया, तो इसको मैं आप यूज़ करके दिखाता हूँ एक बार आपको। तो ये देखिए अभी ये तो ये पिन पॉइंट पे जा रहा है, अगर आपने इसका फ्लो चेंज करना है तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। तो यहाँ से इसका फ्लो चेंज हो जाएगा। तो ये जो ऑटो स्टॉप फंक्शन है वो देख सकते हो आप, जब मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ तभी मोटर चल रही है, जब मैं इसको छोड़ूंगा तब मोटर बंद हो जाती है। तो देखिए अब ये चल रही है, तो हम छोड़ रहा हूँ तो ऑटो स्टॉप जो इसका फंक्शन है वो फुली वर्क कर रहा है। तो उसके बाद हम अपनी जो गाड़ी है उसको वॉश करके देखते हैं हम सबसे पहले हम। तो देख सकते हो आप जो सारी डर्ट लगी हुई है सारी वॉश हो रही है इजीली। तो मैंने अपनी गाड़ी पूरी वॉश कर लिया, देख सकते हो आप इसकी लेंथ जो वायर की है वो भी काफ़ी ज़्यादा, मेरी पूरी गाड़ी कवर हो चुकी है। तो उसके बाद हम हमारा जो फोम कैनन है वो हम इसके साथ अटैच करेंगे, जो इसके साथ हमें अटैचमेंट मिलती है जो हमारी बॉक्स में होती है वो तो ये होती है सॉफ्ट डिस्पेंसर होता है ये, इससे अच्छी इतनी अच्छी फोम नहीं बनती है। तो इसके लिए हमने इसका सेपरेटली बाय किया, एक्कन कंपनी का ही आता है ये वाला मॉडल जो आपका फोम कैनन का होता है, इसका लिंक भी मैंने नीचे डाल दिया, वहाँ से आप इजीली बाय कर सकते हो। तो हम इसको फटाफट इंस्टॉल कर लेंगे, इसके साथ भी काफ़ी क्विक रिलीज मिलती है एक तो हमें, ये एक इसका ये सेपरेट है, ये वाला इसका सेपरेट है, इसको यहाँ पर हम यहाँ पर इसको फिट कर लेंगे, और उसके बाद ये हमारा यहाँ पर अटैच हो जाएगा। तो इसको काफ़ी ईजी है इंस्टॉल करना एज़ कम्पेयर टू जो हमारा सॉफ्ट डिस्पेंसर था, और इसके हमें यहाँ पे ऊपर नॉब भी दी गया है, इसको हम कम ज़्यादा कर सकते हैं जो हमारी फॉर्म होती है। तो इसको मैं अब जो हमारा मेन पार्ट है वो आ चुका है, तो हम इसको हम स्प्रे करके दिखाएंगे आपको। तो आप देख सकते हो पूरा जो फॉर्म है वो कितनी गाड़ी फॉर्म आ रही है इसमें, तो ये देख सकते हो आप ये पूरी गाड़ी फॉर्म आ रही है। तो हम इसको हम पूरा एक बार कवर कर लेंगे, और इसमें हमने कोई सेपरेटली शैम्पू बाय नहीं किया, जो हमारा सिंपल नॉर्मल शैम्पू होता है 1 रुपये वाला, वो हमने इसमें काफ़ी ज़्यादा डाल लिया, 5-10 में डाल लिया हमने। तो इसको हम कर लेते हैं फटाफट।
तो इसको हमने जो फोम वाली हमारी स्प्रे थी वो हमने कर लिया, इस पर एक बार हल्का सा कपड़ा मार देंगे क्योंकि इसके दाग रह जाएंगे अगर हमने इसको ऐसे ही छोड़ दिया। तो इस पर हम एक बार कपड़ा मार देंगे अच्छी तरह। मैं इसको फाइनल वॉश करने वाला हूँ। तो हमारी वॉशिंग है, देख सकते हो आप पूरी कंप्लीट हो चुकी है, हमारा पूरा क्लीन हो गया। यहाँ से जो गंदा था हमारा और जो हमारे टायर से वो भी काफ़ी गंदे थे अंदर से, तो देख सकते हो आप पूरा क्लीन हो चुका है ये। और फ्रंट से भी आपको दिखा देता हूँ एक बार मैं, तो देख सकते हो आप ये बिल्कुल क्लीन हो चुका है यहाँ पे। तो अगर आपने बाय करना प्रोडक्ट तो ले अमेज़ोन का लिंक मैंने नीचे डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इजीली बाय कर सकते हो। और फोम कैनन आती है जो इसकी सेपरेट, उसका भी लिंक मैंने डाल दिया, तो वहाँ से आप इजीली बाय कर सकते हो। तो देख सकते हो आप, एक बार राउंड दिखा देता हूँ आपको मैं। देखिए पूरा क्लीन हो चुका है यहाँ से, और टॉप से भी क्लीन कर दिया हमने पूरा। और मेरा जो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, मैंने फर्स्ट टाइम इसको यूज़ कर रहा हूँ, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है इसका। और बेसिकली जो इसका फोम वाला पार्ट था वो मेरे को सबसे अच्छा लगा, तो मैं तो आपको मस्ट कहूँगा एक बार आपको ट्राई करनी चाहिए। तो इसके बारे में आपको पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। काफ़ी कॉम्पैक्ट और पावरफुल है ये हाई प्रेशर वॉशर है जो आपका, और मल्टीपर्पज़ यूज़ है। इसे आप अपनी कार, बाइक, स्कूटी, एसी, इवन कि आप अपना फ्लोर भी क्लीन कर सकते हो। तो मल्टीपर्पज़ यूज़ प्रोडक्ट है ये। तो इसको हम फटाफट अनबॉक्स करते हैं और इसका मैं प्रेशर टेस्ट भी करके दिखाऊंगा आपको। तो फ्रंट में आप देख सकते हो, इसमें यहाँ पे ब्रांडिंग दी है एकन कंपनी की, और इसका मॉडल है DW2000 मॉडल है। और इसमें आपको देख सकते हो जो मेन इसके फीचर्स हैं वो इसमें आपको दिए गए हैं। लो नॉइस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है, सेल्फ सक्शन मोटर है और ऑटो स्टॉप है, और स्टील मैश होस का यूज़ किया गया इसमें। तो मैंने सब ओपन कर लिया है, वन बाय वन मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा इसमें। तो सबसे पहले मैं इसमें देख सकते हो आप, ये यूजर मैनुअल देखने को मिलेगा आपको ये, और इसमें आपको एक वारंटी कार्ड देखने को मिलेगा जिसमें आपको 6 मंथ की वारंटी देखने को मिलेगी फ्रॉम द डेट ऑफ योर इनवॉइस। और उसके बाद हम देख लेते हैं जो हमारा सबसे पहले आता है, ये है हमारी ट्रिगर गन, देख सकते हो आप ये। और इसमें आपको यहाँ पे एक स्पेशल लॉक भी दिया गया है जहाँ से आप इसको लॉक कर सकते हो, तो यहाँ पे लॉक भी हो जाएगी। और इसमें आपको यहाँ पे अटैचमेंट दी गई है जहाँ से आपका प्रेशर आपका कंट्रोल होगा, मतलब जैसे कि आपने स्प्रे एक डायरेक्शन में रखनी है या पूरी फ्लावर में रखनी है, तो उससे आप ये यहाँ से आपका चेंज हो जाएगा ये। तो इसको हम ओपन भी कर सकते हैं, यहाँ से ये ओपन हो जाएगी अटैचमेंट इसकी, ये अलग हो जाता है, सेपरेट हो जाते हैं ये दोनों। और उसके बाद हमें देख लेते हैं हम यहाँ पे फुटबॉल फिल्टर देखने को मिलेगा इसमें, अगर आप ये बकेट में यूज़ कर रहे हो तो उसके टाइम पर आप ये यूज़ कर सकते हो। उसके बाद हमें एक वाटर फिल्टर देखने को मिलेगा, और उसके बाद हमें पाइप कनेक्टर देखने को मिलेगा, इससे आपका पाइप कनेक्ट होगा। और ये आपकी होस क्लिप आ गई है, जब आप इसको अपने टैप के साथ यूज़ करोगे उस टाइम पे आपका ये यूज़ होगा। और उसके बाद हमारी आ चुकी है ये क्लीनिंग पिन है, जिससे आपका ये मतलब जो आपका फ्रंट वाली अटैचमेंट है इससे आप इसको क्लीन कर सकते हो। और उसके बाद हमें इसके साथ 2 हाई क्वालिटी हैवी ड्यूटी आपको पाइप्स देखने को मिलेगी, और ये आपकी है इनलेट पाइप है जहाँ से आपकी ये यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगी है, और इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, ड्यूरेबल है काफ़ी है। और उसके बाद आपको देखने मिलेगी एक हैवी ड्यूटी स्टील मैश आउटलेट पाइप जो कि है 7 मीटर की, जो कि इसकी क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है। और जो इसकी ये वाली अटैचमेंट है, एक तो आपकी मोटर के साथ अटैच होगी और एक आपकी ट्रिगर गन के साथ अटैच हो जाएगी। और उसके बाद हमें मिलता है एक सॉफ्ट डिस्पेंसर है ये, इसमें आपका एक बड़ा भी आता है फोम कैनन, वो भी आपको सेम कंपनी एकन कंपनी का ही देखने को मिलेगा, उसका लिंक मैं नीचे डाल दूंगा, वो भी आप बाय कर सकते हो। तो ये था इसका मतलब जो इसकी साथ की एक्सेसरी थी। और उसके बाद हम आ चुके हैं हमारी जो मेन मोटर है, ये आप देख सकते हो ये आपकी मेन मोटर है, और इसमें आपको यहाँ से इनलेट का है, और इस वाली साइड आपको आउटलेट देखने को मिलेगा, यहाँ से आपका आउटलेट जाएगा जो आपका ये वाली आपकी जो आउटलेट होस पाइप है ये आपकी अटैच हो जाएगी। और इसके फ्रंट में आपको प्रेशर गेज देखने को मिलेगा, और यहाँ पर आपको एक ऑन ऑफ का स्विच देखने को मिलेगा जहाँ से आप इसको इजीली कंट्रोल कर सकते हो। और यहाँ पे आपको टॉप में एक हैंडल दिया गया जहाँ से आप इसको इजीली कैरी कर सकते हो, देख सकते हो आप ये काफ़ी कॉम्पैक्ट है। तो और इसका मैं आपको एक प्रेशर टेस्ट करके दिखाऊंगा, वो आप मस्ट वॉच करें। इसके मैं आपको कुछ मेन फीचर बताता हूँ, जो आपका ये मोटर है ये आपकी जर्मन टेक्नोलॉजी पे बेस है, जो इसकी पावर कंजप्शन है वो 1650 वॉट की है, और इसका मैक्सिमम बार है वो 130 का है, और जो इसमें आपको RPM देखने को मिलेगा वो 2800 का मिलेगा, और इसमें आपको मैक्सिमम फ्लो है जो वो 10 लीटर पर मिनट का मिलेगा। तो मैंने मार्केट में देखा जो अदर कंपनी के जो सेम मॉडल आते हैं वो अपनी जो फीचर्स को होते हैं वो मार्कअप करके हाईर प्राइस में बेचते हैं, जो कि इन्फॉर्मेशन होती है वो आज से ज़्यादा फॉल्स इन्फॉर्मेशन होती है, तो आपको थोड़ा अवेयर रहना चाहिए। तो इस प्रोडक्ट का जो MRP है वो 10,000 रुपीज़ का, मगर आपको अमेज़न में 5800 की अवेलेबल है, लिंक मैंने डाल दिया, वहाँ से आप इजीली बाय कर सकते हो।